ये निश्चित तौर से प्रशासन की अनदेखी का एक नमूना है जो आपके सामने है। और किशनगढ़ आज एयरपोर्ट और मार्बल नगरी की वजह से पूरे देश में नहीं विदेशों में अपनी छाप छोड़ रखी है, मगर इस इतनी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं की बार बार या ट्रैफिक को लेकर नगर परिषद हो या आम चौराहे पे हो, इस बात को लेकर मीटिंगें यहाँ का प्रशासन, मगर यहाँ से हर यहाँ से DYSP यहाँ से हर इस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से गुजरता है, मगर ये कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये यहाँ गमटी पड़ी है, इसका ये ध्यान नहीं देते हैं। इसको पूर्व में भी लगी हुई थी लेकिन क्षतिग्रस्त हो गए उसकी बात अधिकारी ध्यान नहीं दे। हाँ, ये अधिकारी लोग क्योंकि ये हालत है कि किशनगढ़ के अंदर यहाँ के इस प्रकार के अधिकारी है कि आपका एक आपका जो उपखंड कार्यालय है उसके ऊपर भी लोगों ने कब्जा करके बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो इससे बड़ा उदासीनता का यहाँ और क्या उदाहरण हो सकता है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आपका नाम? कानाराम चोटिया, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा अजमेर। ये आए दिन गुमटी हटी हुई है, एक तरफ से तो गवर्नमेंट नए नए नियम लगा के कानून पेश कर रही है और खुद के ही गुमटी कचरे के ढेर में पड़ी हुई है, न कोई व्यवस्था है ट्रैफिक के लिए, आए दिन चौराहे पर एक्सटेंड होते हैं आर के कम्युनिटी सेंटर के सामने। क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, प्रशासन की अनभिज्ञता के कारण। आपका नाम? मोहन यादव।